मसीह खुदावंद में आप लोगों की सलामती हो। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं यूहन्नाबाद में और ख़ास करके इस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं और नेशनल न्यूज़नामा की जो पूरी टीम है इस मकसद के तहत आई है ताकि आपको यहाँ पे ये बता सकें कि गुजरे साल में यानी कि 2022 में और दिसंबर का महीना था, यहाँ पे नून लीग की जो हुकूमत है उन्होंने यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए यूटिलिटी स्टोर जो है उसका आगाज किया और साल का आगाज हुआ यानी कि 2023। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 4 जनवरी 2023 है और यहाँ पे इस सड़क पे मैं मौजूद हूँ जो कि मेन सड़क है यूहन्नाबाद की। और ये सड़क आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काम जो है वो शुरू हो चुका है और जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने यहाँ पे जो है वो काम किया तो भी ये जो सड़क है ये जू की तू पड़ी हुई थी और यहाँ पे किसी तरह का जो काम है वो नहीं हो रहा था, ये सड़क रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही नून लीग की हुकूमत दोबारा आई और उन्होंने इस जगह को, इस सड़क को जो है दोबारा से जो है वो बनाने की जो है भरपूर कोशिश की है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं इस बात से खुश हैं कि जैसे ही साल का नया मतलब आगाज हुआ है तो एक नया तोहफा उनको मिला है। गुजरे साल में उन्होंने यूटिलिटी स्टोर की सूरत में उनको एक तोहफा दिया और नए साल में उनको ये सड़क बनाकर उनको एक नया तोहफा दे रहे हैं। तो आए नाजरीन, हम उन तमाम लोगों से बात भी करेंगे जो कि इस काम में जिन्होंने अपना जो रोल है वो अदा किया, जिन्होंने हुकूमत से ये अपील की कि इस सड़क को जो है वो बनाया जाए, लोगों के लिए यहाँ से आना जाना आसान हो सके। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सड़क है, ये जो मेन कब्रिस्तान है, ये बिल्कुल उसके पास ही है। एक तो कब्रिस्तान ये है और एक थोड़ा सा आगे मेन कब्रिस्तान है और यहाँ से कब्रिस्तान के पास से ये सड़क रुकी हुई थी और लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि बारिश के दौरान यहाँ पे पानी खड़ा होता था। लेकिन ये नए साल का नया तोहफा नून लीग की जो हुकूमत है उनकी तरफ से यूहन्नाबाद के लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। और मैं बात करूंगा यहाँ के जो चेयरमैन थे इश्तियाक जेम्स गिल साहब, उनसे भी हम बात करेंगे ताकि उन्होंने भी इस काम के लिए जो है वो काफी ज्यादा एफर्ट की है ताकि इस हुकूमत को, हुकूमत की जो तवज्जो है इस काम की तरफ दिलाई जा सके। जी, अभी हमारे साथ यूहन्नाबाद के एक भाई मौजूद हैं, उनका नाम हारून है। हम उनसे जानेंगे कि हारून भाई, ये जो सड़क है ये एक तो हमारे नाजरीन को ये बताएं कि कितने अरसे से रुकी हुई थी और ये जो नए साल का जो तोहफा है और इसमें बड़ी काविश जो है वो जो आपके यहाँ के चेयरमैन हैं इश्तियाक जेम्स गिल साहब, उनकी बड़ी काविश है और उन्होंने हुकूमत से ये दोबारा से जो है वो सड़क तामीर करने के लिए अपील की, तो आप इसके बारे में हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे? जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने यूहन्नाबाद के चेयरमैन इश्तियाक गिल साहब का। और दूसरी बात ये है कि ये काफी अरसे से रुकी हुई थी, ये कासिम के चर्च से देके और ये बाहर तक, ठीक है ना, ये तकरीबन हो गया इसको 6-7 साल हो गए। अच्छा। 6 साल, तकरीबन 6 साल तो बचे। तो हम तह दिल गहराइयों से शुक्रगुजार हैं अपने चेयरमैन मुश्ताक साहब का कि इन्होंने हमारी खातिर जो भी ये हमारी प्रॉब्लम थी, खास करके दुकानों वाले दुकानदारों की, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम इस हुकूमत से भी खुश हैं अपना नून लीग से कि इन्होंने आके तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की जो कि पीटीआई की हुकूमत में नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी, तो पीटीआई ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, एजाज अलम अगस्तीन साहब थे यहाँ पे, किया होगा पता नहीं कहाँ पे किया होगा, लेकिन हमें तो अपनी दुकानों के आगे है ना, ये इलाका कम से कम तब का जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ इन दुकानदारों के सामने ये एरिया में। सही, अभी हम एक शॉप में मौजूद हैं और हम शॉपकीपर से हम पूछेंगे कि सर जी, यहाँ पे ये जो सड़क है आपकी, ये नून लीग की जो हुकूमत है और इसमें बड़ी जो काविश है वो यहाँ के जो चेयरमैन हैं इश्तियाक जेम्स गिल साहब, उनकी भी बड़ी काविश है और वो ये सड़क जो है वो दोबारा से हुकूमत से मुतालबा करने के बाद ये बनवा रहे हैं, आप इस सड़क के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये कितने अरसे से ये रुकी हुई थी सड़क? तकरीबन 1.5 साल हो गया है इस तरह खराब पे ही है। अच्छा। कोशिश हो रही है कि जे इन्हें की है तो बड़ी अच्छी गल है। हाँ। लोगों को आराम मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे भी यार बंदा ठीक है। सही। हाँ जी, तो जो काम अच्छा हो तो कोई तारीफ ही करता, कोई दुखोई तो नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे अच्छी गल है। हाँ जी। बस अच्छा, यहाँ पे मतलब पानी भी खड़ा हो जाता था जब बारिश होती थी, 8-10 इंच पानी डेली खड़ा रहता, थोड़ी जी बारिश होती पानी खड़ा होता, तो जो सड़क बनेगी तो पानी ठीक खत्म हो जाएगा काम। और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे दुकानदारी करते हुए? 9 साल हो गए थे दुकान कर कर दिया। हाँ जी। पीटीआई की हुकूमत ने यहाँ पे काम किया कोई के नहीं? नहीं, काफी काम किए थे उन्होंने। अच्छा। हाँ जी,
लेकिन हमने सुना कि उनको यहाँ पे कोई मतलब 33-34 करोड़ रुपया जो है वो मॉडल विलेज बनाने के लिए दिया गया था, तो क्या आप सोचते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ये काम किया है? काम तो उन्होंने काफी किए ने जी, काम ना इनकारी वाली गल को नहीं, लेकिन यह मसला जो दरीना मसला सी ये काफी देर का फसिया सी। अच्छा। ते हो गया, बड़ी खुशी है इस गल की। बहुत शुक्रिया जी आपका। इस वक्त मैं एक और दुकान पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं हारून सदीक साहब और हम उनसे भी जानेंगे। सर जी, ये सड़क के बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे कि कब से रुकी है और ये दोबारा से नए साल में नून लीग की जैसे ही हुकूमत आई और उन्होंने यहाँ पे जो है यहानाबाद में काम करना शुरू कर दिया? सर ये तकरीबन 20 साल से ये सड़क रुकी हुई थी। अच्छा। ये चेयरमैन इश्तियाक साहब की मेहरबानी से ये फंड लेके आए हैं और उनकी वसाकत से ये सड़क मार रही है। तकरीबन ये काफी देर से रुकी हुई थी, तकरीबन 20-25 साल से। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पहले इन्होंने और भी काम किए हैं यहाँ पे, गैस वगैरह का काम भी चेयरमैन इश्तियाक साहब ने करवाया था। हम चेयरमैन इश्तियाक साहब के और इनकी टीम के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया नए साल में, और हम इनके तह दिल से शुक्रगुजार। आप क्या सोचते हैं कि नए साल पे ये जो सड़क का जो तोहफा है वो कितना बेनिफिशियल होगा? बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये हमारे क्रिश्चियनों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। तह दिल से शुक्रगुजार हैं चौरी इश्तियाक साहब के और तारक नाजम साहब के। ठीक है। और अभी हमने देखा कि 2022 में जब अभी दिसंबर गया है तो यहाँ पे एक और तोहफा जो है वो आपको दिया गया यूटिलिटी स्टोर की सूरत में, तो उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये चौरी इश्तियाक साहब की मेहरबानी है कि जो दे रहे हैं यहानाबाद को ये अच्छी चीजें। हाँ। पहले आज तक किसी ने नहीं दी थी, क्योंकि ये चेयरमैन की मेहनत है जो ये कर रहे हैं, लोगों को चाहिए इनको सराहे जी। इस वक्त हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं जो कि आ रहे थे काम से और हमने उनको रास्ते में ही रोक लिया क्योंकि वो भी यहानाबाद के रहायशी हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि ये जो सड़क है, चाचा जी आप हमें ये बताएं कि ये सड़क कितने अरसे से रुकी हुई थी, मतलब बनी नहीं थी और अभी ये बन रही है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये आपके लिए कितनी फायदेमंद है? फायदेमंद है कि सौखे लंघेंगे, सौखे आवेंगे जाएंगे। अच्छा। शानदार नहीं है। ठीक है। तो नाज़रीन अभी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सौखे आवेंगे तो सौखे जावांगे, ये बड़ी बात है कि जो चेयरमैन साहब हैं इश्तियाक जेम्स गिल साहब, उनकी ये बड़ी काविश है कि वो दोबारा से नून लीग की हुकूमत से फंड लेके आए हैं और अपने लोगों के लिए जो ये सड़क की जो तमीर है उसको वो कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए यहाँ से आना जाना, लोगों के लिए यहाँ से गुजरना आसान हो सके और जो बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उनके लिए कारोबार करना भी आसान होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहानाबाद की एक और जानी मानी शख्सियत एसएम बशीर साहब, जो कि नून लीग के एक जबरदस्त रुकन भी हैं और मैं जबरदस्त के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि वो सरगर्म रुकन हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि एक तो ये जो सड़क है ये कितने अरसे से रुकी हुई थी और इसको बनाने के लिए जो सबका चेयरमैन है इश्तियाक जेम्स गिल साहब, उन्होंने क्या एफर्ट की और आज इस सड़क का जो नक्शा है वो किस तरफ को जा रहा है? सबसे पहले मैं तमाम अपने मसीही भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पे मियां नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ का और राणा मुबशर साहब का, और खुसूसी तौर पर मैं अपने सबका वाइस चेयरमैन साहब का, जिन्होंने ये पूरी मेहनत से कि तकरीबन अरसा दराज से ये हमारी सड़क जो है ना रुकी हुई थी, पहले सीवरेज डला, सीवरेज के बाद आज तक इसकी कोई सुनाई नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं चेयरमैन के साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेहनत करके और इस सड़क को पाए तक मील तक पहुंचाने लगे हैं। और ये आप रास्ता तो देख ही रहे हैं। हाँ जी। इधर इतना इतना पानी खड़ा हो जाता था, तकरीबन फुट फुट दो दो फुट पानी खड़ा होता था, इधर भी ऐसे होता था जैसे नहर चल रही है पुराने वक्त में। तो अब उम्मीद है हमें कि ये मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा सर, क्योंकि नून लीग की पहले भी यहाँ पे हुकूमत रही और काम जो है वो उस तौर से नहीं हो सका, तो आप क्या सोचते हैं कि इस काम को करवाने में जो आपके जो चेयरमैन साहब हैं इश्तियाक जेम्स गिल साहब, उन्होंने किस तौर से दोबारा से इस काम को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो काविश की है, आप उसके बारे में भी जरा बताएं। ये देखिए, सबसे पहले तो हमने जब पुराना एक सीवरेज डाला हुआ था, तो उस सीवरेज के बाद वो तकरीबन खत्म हो गया था, फिर उसके बाद नया सीवरेज डलाया,
और ये पानी जो आप इस वक्त पूरा यूनाबाद यूज कर रहा है, ये भी कामरान मैकल साहब की और हमारी सब दोस्तों की मेहनत से ये इधर यूनाबाद में ट्यूबवेल लगे थे सरकारी दो। एक ये एक नंबर है, दो नंबर ट्यूबवेल ये है, एक नंबर उधर लगा है स्टिच ग्राफ फैक्ट्री के साथ है। तो ये सारी मिलके हम सब दोस्तों ने, खासतौर इश्तियाक गिल साहब ने, जब से ये चेयरमैन आए हैं इन्होंने तकरीबन पूरे यूनाबाद की मेन छोटी गलियां जो हैं सारियां इन्होंने डेवलपमेंट करवाई हैं। तो हम इनका शुक्र गुजार हैं कि इन्होंने ये अब इस रोड की बारी आई है काफी अरसा दराज से। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के यूसी 245 के चेयरमैन जनाब इश्तियाक जेम्स गिल साहब, जो कि पेशे के एतबार से एडवोकेट भी हैं, और हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे जो सड़क का जो काम है वो काफ़ी अरसे से रुका रहा और सबका हुकूमत पीटीआई की रही और यहाँ के जो यहाँ के जो एमपीए थे उन्होंने जानेंगे कि क्या काम किया। तो इश्तियाक साहब, एक तो हमें ये बताएं कि ये जो सड़क है इसका जो ड्यूरेशन आया ये कितने अरसे से रुकी रही और ये कौन सी हुकूमत के टाइम में रुकी थी और किस हुकूमत में दोबारा ये जो है ये स्टार्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया नेशनल न्यूज़ नामा का कि आपने हमेशा यूहानाबाद के लिए बेहतरी के लिए आपने हमारा साथ दिया। तो आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि 19 दिसंबर को हमने यहां खड़े होकर ये जो यूटिलिटी स्टोर था इसका इफ्ताह किया था, और तभी मैंने यहां कहा था कि बहुत जल्द मैं यहां से जो यूहानाबाद का ये मेन रोड है ये इस तरह अहमियत का अमल है कि ये आप देखें कि डी ब्लॉक गली नंबर एक कब्रिस्तान, यहाँ से इसको छोड़ा गया जो कि पीटीआई को मैंने छोड़ा था, और ये मेन जो बड़ा रोड है यहाँ 40 फुट रोड है, पीछे कहीं 20 फुट है, 30 फुट रोड है, कहीं 35 फुट रोड है, लेकिन ये वाद रोड है यहाँ जो 40 फुट रोड है हमारा है। ये मेन रोड है जो लिंक करता है हमारे डी ब्लॉक को, इसी तरह ई ब्लॉक को, हमारी जो मेजर सेमिनरी है, देखिए कि जहाँ हमारे जो मनाद हैं ये पूरी दुनिया में जो तबलीग करते हैं उनका ये एक अहम अदारा है, उनका ये सामने हमारा जो सेमिनरी जो गेट है ये उसका है दरवाज़ा। और आप देखें कि यहाँ हमारे जो तालबिन पढ़ने के लिए आते हैं, जो बाहर से जो फॉरनर आते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलात होती थी, इसी तरह हमारे जो लोकल लोग हैं, ख़ासकर जैसे मैंने पहले कहा डी ब्लॉक ई ब्लॉक के लोग, इसी तरह हमारा जो 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 खालक नगर एरिया है वो भी यहाँ से गुजरता है, इसी तरह हमारा दुल्लू खुर्द और दुल्लू क्लान जो हमारा गांव है उसका ये मेन रास्ता है, और इसी तरह हमारा जो यूहानाबाद दो नंबर है उसका भी यही रास्ता है, इसी तरह हमारा गुल्लूकोट मेरी आबादी आती है उसका रास्ता भी यही है हमारा, इसी तरह जो मरियम कलोनी है वो आती है, जो मेन हमारा जो आपको पता जो जो हमारी जो रोही नाला है वो मेन जो रास्ता है वो उससे ये लिंक करता है, और हम इसको लिंक इसके साथ कर रहे हैं। और जो पीछे से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो रास्ता है ये जो हमारा रिंग रोड है उसके साथ लिंक करता है। आप देखें कि यहाँ यूहानाबाद अगर आपने जाना एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से आप 15 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं, इतना हमारा शॉर्टकट रास्ता हमारे लिए कि हमारा जो लोकेशन है ये इस रोड की जो अहमियत मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना अहम रोड था जिसको इस बना पे इसको छोड़ा गया कि यहाँ हमारा जो ऑफिस है यहाँ जो मेरा अपना जो यूसी यूसी का जो हमारा ऑफिस था वो यहाँ हमने बनाया था, और ये हमारा डेरा वो हमारा यहाँ हमेशा चलता है, अवाम के लिए हमने ये छोड़ा हुआ है। और यहाँ हमने जब मरियम नवाज ने जलसे किए थे, मेन जलसा किया था अपना अपना ये मनारे पाकिस्तान, तब लाहौर में 5 जलसे हुए थे जो मेन जो फोकस करना था जलसे का, और एक अहम जलसा जो हमारा यूहानाबाद में हमने करवाया था, और यहाँ हमारे सबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान खान अब्बासी साहब आए थे, इसी तरह हमारे सबका अभी जो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आसफ ख्वाजा आसफ साहब वो भी इधर आए थे, इसी तरह हमारे अता तारड और मरियम औरंगजेब साहबा हमारी लीडरशिप इधर आई थी। इस बिना पर मेरे ख़िलाफ़ पर्चा भी यहाँ हुआ था कि हमने कानून की वायलेशन की है, हमने रास्ता रोका है, हमने ये जी जो भी है अब यहाँ ये वैल्यूशन की है। तो कहना का मतलब है कि इस बना पे इस रोड को छोड़ा गया था। मैं समझता हूँ कि हमें सियासी जमातों से बलातार होकर हमें चाहिए कि हम कौमी सोच को अपनाएं, ताकि जहाँ जो कौमी इश्यूज हैं, जो जहाँ कौम का जो बेहतर सहूलत हम दे सकते हैं उसको देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पीटीआई का गारा है, यहाँ नून लीग का, यहाँ पीटी अपना पीपल्स पार्टी का, किसी जमात कोई भी
जमातें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये जो लोगों के जो मसाइल हैं, अगर हम उनको उसको बेहतर डिलीवर करेंगे तो लोग इसका आपको रिवार्ड देते हैं। मुझे आज खुदा का शुक्र है, बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपोजिशन काटी है, हमने अपना पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, हमने जगह जगह अपनी पार्टी को प्रमोट किया है। और खुदा का शुक्र है कि आज मुझे फ़ख्र है कि मेरे हलका के MNA राणा बशीर साहब, जो अभी मिनिस्टर भी बन चुके हैं, और उन्होंने हमें ख़ास प्यार दिया है। सबसे पहले ये आज जितने भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन को बुलवाया गया था, तो उनसे सबसे पहले मेरा काम ये शुरू हुआ है। अभी ये देखें कि आज मुझे 4 दिन हो गए यहाँ के, हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक ब्लेसिंग है यूहन्नाबाद के लिए कि हमारे साथ जो हमारी लीडरशिप है वो प्यार करती है। इसी तरह मियाँ शिबाज शरीफ साहब ने स्पेशल कहा था कि जैसे आपने यूटिलिटी स्टोर का क्रिसमस का गिफ्ट दिया है, उसके साथ ही ये आपने काम स्टार्ट करना है। और ये देखें कि ये सबसे बड़ा जो लिंक रोड है वो आज हम इसको बनाने जा रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास UC 245 और 246 में 4 करोड़ के ये फंड्स हैं। ये रोड के अलावा जो हमारा यहाँ फंड बचेगा वो हम मुख्तलिफ जो गलियाँ हैं, ख़ासकर एफ ब्लॉक, खालक नगर, ईसा नगर, गुलूकोट, ये आबादियाँ आती हैं जो अभी पहले रह गई हैं, अब उनका काम भी इसी तसलसल के साथ ये खुदा करें कि ये हम पायात मिल के पहुँचाएँगे। और इसके साथ साथ UC जो 46 है उसका भी जो काम है वो भी हमने स्टार्ट अभी वो उसके भी टेंडर हो चुके हैं। ख़ासकर कोई अपना हमारा जो अनम रोड है वो 95 जो अपना लाख है उसका उसका काम वहाँ उसका होगा। वो हमारा मेन नाला है जो हमारा अपना वो गैलेक्सी टाउन और आसफ टाउन नंबर 1 हाजी की खूह, जहाँ हमारी कसीर मसीहों की आबादी रहती है, उसको वो लिंक करता है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए पैकेज है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की खसूसी हिदायत पर, और हमारे ख़ासकर मैं अपने सलूट करता हूँ MNA साहब राणा बशीर साहब कि जिन्होंने दिन रात हम अपनी काविश से ये काम पायत कमील को पहुँचाए। और हम चाहते हैं कि ये जो काम है ये तसलसल है, जैसे हमारी ये नेशनल गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये फंड्स का जो पैकेज दिया है, इसी तरह हमारे जो पंजाब हुकूमत है, जब हमारी पंजाब हुकूमत भी नून लीग के पास आई थी तब भी हमें पंजाब हुकूमत ने भी फंड अपना दिए थे, और वो अभी टेंडरों के मरहले में थे तो हमारी जो हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी। अगर आज मैं समझता हूँ कि हमारी पंजाब हुकूमत भी होती तो जैसे आज हमें राणा बशीर साहब ने ये इतना बड़ा पैकेज दिया है, इसी तरह हमारे MP अख्तर हुसैन बादशाह साहब भी, वो भी हमारे लिए अपना वो ख़ास मोहब्बत प्यार रखते हैं कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इस एरिए के लिए, और ख़ासकर UC 245 और 246। मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक पूरे पाकिस्तान में एक फूलों का गुलदस्ता है कि जहाँ हम क्रिश्चियन मुस्लिम मिलकर इलेक्शन भी लड़ते हैं और यहाँ हम रहते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम करते हैं। मैं कल जब ये ट्रक आया था सीमेंट का, तो उधर मेरी जो मुस्लिम आबादी है अपना, ख़ासकर ये जो लोग हैं हमारे दुल्लू कलां के लोग, तो मुझे कह रहे थे यार आपने जो काम शुरू कराया है ये आपको खुदा इसकी ना बहुत ये इसका सिला मिलेगा कि आपके लिए बहुत लोग दुआएं देंगे। देखें कि ये काम तो होता है जो किसी के दिल से जो दुआ निकले। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब ये PTI हुकूमत ने जो 33 करोड़ रुपया इनको इतनी खतीर रकम दी गई थी और इन्होंने उसका जो बेदरेग इस्तेमाल किया है सियासत की नज़र में, इन्होंने उस फंड को इन्होंने वो चढ़ा दिया था। ख़ासकर हमारा जो डी ब्लॉक था, ये हमने पहले ही ये 1-2 साल पहले हमने इसको तमीर का पूरा मुकम्मल कर दिया था, लेकिन इन्होंने मेरी तख्तियाँ वहाँ उतारने के लिए वहाँ 3-3 इंच इन्होंने दोबारा वो गलियाँ पहले जो बनी थी उनको इन्होंने दोबारा तोड़ कर वहाँ 3-3 इंच माल डाला हुआ है। तो लोगों के जो पहले ही मसाइल के यहाँ लोग गुरबत में, आपको पता है जो कोरोना के चक्कर से लोग बहुत परेशान थे, इन्होंने दोबारा लोगों के जो पाइप थे, जो हौदियाँ थी, वो दोबारा फिर लोगों को तमीर करनी पड़ गई। और ये देखना होता है कि लोगों की जहाँ लोगों को जो कैपेसिटी है कि लोगों ने कैसे अपना गुजारा करना है, कैसे लोगों की हमने सहूलत देनी है, बजाय कि उस लोगों का अजाब नहीं बनाना, कि ऑलरेडी जो काम हो चुका है उसको करने की क्या ज़रूरत थी। आज देखें कि अगर ये आज ये काम यहाँ पहले हो चुका होता तो ये फंड कहीं और लगता। जैसे हमारा आपने बताया हमारा एफ ब्लॉक पूरा
वो इतना बड़ा इलाका है, वहाँ आप जाकर हालात देखें, हमारे खालक नगर हालात देखें, इसी तरह हमारा जो ईसा नगर है, इस तरह गुलूकोट, कल भी मेरे पास पास्टर साहब आए कि हमारा जो गुलूकोट का चर्च का जो मेन रास्ता है वो भी खराब पड़ा हुआ है। तो हमें बहुत तकलीफ होती है कि जब हम तो जो लोग हैं हम यहाँ ग्राउंड पे रहते हैं, हमें पता है कि हम ग्रास रूट पे काम करते हैं कि लोगों की क्या मुश्किल होती है। आप यकीन दें कि मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ इन कामों पर फोकस करता हूँ और मुझे पता है कि कल को अगर ये काम को नुक्स रह गया तो वो ठेकेदार तो काम पैसे अपने लेके चला जाएगा, बातें बाद में हमारे MNA साहब को, हमारी हुकूमत को, हमें होंगे कि यार इन्होंने शायद रिश्वत ले ली थी इसलिए ये काम नाकस हुआ। तो मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप भी इस काम की निगरानी करें, जैसे मैंने अपनी पूरी जो हमारे साथी होते हैं हमारे पूरा इलाके अहले इलाका को कहता हूँ कि आप ये हमारा जो मटेरियल है इसका मियार चेक करें, ये कितना इसमें ये डालते हैं, जो हमारी रेशो होती है उसको आप चेक करें, जो मशीन होती है उस पर हम स्पेशल अपने बंदे खिलाते हैं, खड़े करते हैं ताकि ये लोग इस पर निगरानी करें कि कहीं ये जो ठेकेदार है वो अपना अपने पैसे के लालच में हमारा जो काम है उसको ख़राब ना करें। क्योंकि ये जो काम होते हैं ये बेसिकली जो हमारी आवाम का फंड्स होता है, हमारे जो टैक्सीज होते हैं, ये इकट्ठे होकर जो फंड में कन्वर्ट होते हैं और ये बेसिक तो आवाम का पैसा होता है, तो आवाम पे लगना होता है। अगर हम अवामी नुमाइंदे ही इस बात का नया ख्याल करेंगे तो जाहिर है आपको पता है ये जो हमारे महकमे होते हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो हमारे ठेकेदार सबान है, ये ज़रा अपने पैसे के लालच में कहीं अपना 19-20 भी कर जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, अगर हमारे लोगों को अवेयरनेस होगी कि हमने अपने कामों को, जैसे हम अपना घर तमीर करते हैं हम अपने घर की तरफ देखते हैं, मिस्त्री को कैसे हमने उसको पैसे देने होते हैं शाम को दिहाड़ी, इसी तरह हम अगर इस ध्यान से हम देखेंगे कि ये पैसे है, ये हमारी आवाम के पैसे हैं, ये हमारी पब्लिक के पैसे हैं, इसलिए हमने इनका भी उसी तरह ध्यान करना है, तो फिर हम कहीं जाके बेहतर काम हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा चेयरमैन साहब, आप हमें ये बताएं कि ये कितने अरसे में ये सड़क जो है वो तमीर करने की जो है वो आपने इनको म्याद दी है? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले हमने काम ये स्टार्ट किया था, तो अभी ठेकेदार साहब मेरे भी बहुत मैं समझता हूँ कि तावन कर रहे हैं, तो वो भी असल बात ही होती है कि अगर आपको काम लेने वाला हो तो काम देने वाले भी खुशी से देते हैं। ठेकेदार साहब मेरे बात बड़ा तावन कर रहे हैं कि अभी हमारा कल हमने देखें कि वो दुकानें का खुद जाके हमने वो दुकानों के लिए हमने वो दुकान शॉप ली है, वहाँ तकरीबन 700 अभी वो बड़ा ट्रक आया था, सीमेंट भी आ चुका है, इसी तरह हमारी बजरी जो है वो भी चल चुकी है सरगोधा से, तो वो कह रहे थे रास्ते में ज़ार हमारा जो ये धुंध वगैरह इसका मसला हो रहा है, तो उसके बावजूद हमने वह हमारे जो पास्टर कासम बख्श साहब हैं उनके बाद बजरी और रेत पड़ी हुई है, अभी हमने ठेकेदार साहब के साथ उस बजरी और सीमेंट का भी उनको सुबह उनको पेमेंट दे देंगे, उनके साथ हमारा वो बता दिया कि उनकी क्या प्राइस है ताकि हमारे काम में खलल ना हो। तो खुदा का शुक्र है कि कल हमारी कोशिश है कि हम PCC शुरू करा देंगे। तो ये तकरीबन जो इतना बड़ा ये काम है, ठेकेदार ने पूरा महीना लिया कि पूरे महीने में इसका मैं मुकम्मल करूँगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ये 15-20 दिन में ये मेन जो रास्ता हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो स्पीड हम हमारे साथ वो तावन कर रहे हैं, लेबर भी हमारी डबल लेबर ठेकेदार ने मंगवा ली है। तो आपको पता है पाकिस्तान में हुकूमत का आपको पता नहीं होता, हाँ जी। हम तो समझते हैं कि हमारा जो काम है, काम ये होता है कि अगर पहले भी हमारे ऐसे हो गए हमारे फंड्स लैप्स हो जाते हैं, अगर हम अपना काम तरीके से जल्दी से करवा लेंगे, हमारे टेंडर्स हो चुके हैं तो हम जल्दी से अगर ठेकेदार काम करेगा तो उसको भी पेमेंट मिलेगी और हमारे काम भी मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जी हमारा ये पाकिस्तान का जो रवैया है, सियासी जो रवैया है, यहाँ मैच्योरिटी बहुत कम है, यहाँ लोगों के जो मसाइल हैं उन पर कम ध्यान दिया जाता है, हमारी जो सियासी आपस में जो जो नूरा कुश्ती है वो चलती रहती है, इसलिए हम तो एक अरसा हो गया हमें कि कैसे ये काम अपने करवाने हैं और किस स्पीड से करवाने हैं, क्योंकि हर बंदा काम नहीं ले सकता। आपको यहाँ मुझे कहने में कोई शर्म नहीं कि जब हमारा जो फर्स्ट मेरा और जो मेरे मुकाबले में अपना दूसरी यूसी से चेयरमैन जीते थे, हमारे अपना जो चर्च है क्राइस्ट चर्च, वहाँ हम दोनों को वहाँ उन्होंने बुलाया था पास्टर साहब ने, और वहाँ जब मैंने बात की थी तो मैंने ये कहा था कि अब मेरा मुकाबला PTI के चेयरमैन से कामों का मुकाबला होगा, हम जीत तो गए हैं, ये भी जीत गया, मैं भी जीत गया हूँ, तो अब मैं आपको आवाम के सामने ये अपना दावा करता हूँ कि आपने मेरे काम भी गिनने, इनके काम भी गिनने हैं। तो आज मुझे खुदा का शुक्र है कि आज मैं चेयरमैन नहीं भी हूँ,
तो मुझे वो चेयरमैन से ज्यादा मुझे आज जो मेरे पास इख्तियारत हैं कि मेरे एमएनए ने आयकार पूछा नहीं है कि आपने इफ्तार कब करवाना है, कब काम शुरू करवाना है। उसने खाली ये कहा कि ठीक है आप चेयरमैन साहब जैसे भी आपने करना है, ये आपका अपना फंड है, आप जैसे बेहतर समझते हैं इसको फंड को इस्तेमाल करें। तो मुझे खुशी है कि आप यूहन्नाबाद में देखें कि जब भी ये पीटीआई ने 33 करोड़ के काम करवाए थे तो कहीं मुझे जो मेरे भाई दूसरे पीटीआई के चेयरमैन है मुझे कहीं नजर नहीं आए। हालांकि मैंने खुद उससे रब्ता किया था कि आपको चाहिए कि आप जे जो काम है ये अवाम के काम है, ये पीटीए की हुकूमत के काम है और आप पीटीए के चेयरमैन है, इसलिए आप मेहरबानी करें कि इन कामों पर फोकस करें क्योंकि ये जो हमारा फंड्स है ये हमारा फंड्स अवाम का फंड्स है, ये यूहन्नाबाद के नाम पे फंड आया तो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैंने मुझे याद है कि यहाँ हमारा साथ जो ये बाजार है D2 वाला, ये हमने जब पहले हमारी हुकूमत थी तो हमने नीचे इसके पूरा जो निज़ाम है ना, जो इसका पूरा निज़ाम है वो उसका नाला जो होता था छोटा बनता था उसके में पाइप डालते थे, वो उसका वो जो पानी था उसको वो सही लिंक नहीं करता था। उसके बाद हमारा ये महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के साथ हमने पूरा पूरा उसके नीचे बहुत बड़ा तकरीबन वो 6 फुट का हमने नीचे उसका ना वो उसका जो नाला बनवाया और ये पीटीए हुकूमत उसको गिराने लगी थी। तो मैंने कहा था ये आप फंड जाया कर रहे हैं, अगर आप 9 इंच का पाइप डाल रहे हैं तो ये तो सारा इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तब मैंने सॉरी मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ। अभी आपने कहा कि पीटीए की हुकूमत ने जब यहाँ पे सीवरेज वगैरह डलवाए गए तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये क्योंकि मेन सड़क है और हम सब जानते हैं कि जाहिर सी बात है बारिश का पानी है या जो गलियों का पानी है वो भी जाहिर सी बात है ये जो मेन जो सीवरेज है वहाँ पे आएगा, तो आपने इसके लिए क्या सोचा है कि अगर वो सीवरेज अगर ठीक नहीं है और ये मेन सड़क आप बना रहे हैं कल को जब बारिश होती है या जो सीवरेज मतलब ब्लॉक होते हैं तो उस सूरत में क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे? नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने वो आपने मेरी बात मुकम्मल सुनी कि मैंने वो काम करवा दिया था तब कि तब मेरे अहल इलाका जो D2 वाले लोग हैं उन्होंने कहा था कि हमारा ऑलरेडी इतना फर्स्ट क्लास वो पानी का लिंक वो नाले में जा रहा है तो आप इसको क्यों इसको आप चाहते हैं कि इसको गिरा कर हम इसमें 9 इंच का पैप डालें। तो बाद में मेरे महकमे के साथ अपना वो अपना बात हुई थी, उसने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा था कि यार ये असल बात यह है कि हम जो LDA है ना अगर हम वहाँ सीवरेज ना डालें तो हम वहाँ से अपना जो टैक्स है जो हमने जो है ना वो बिल है वो कलेक्ट नहीं कर सकते। हमारा असल हमारा मकसद ये है इस नाले को ख़त्म करके तो हम अपना पैप 9 इंच डालें। ये देखें कि हमारे महकमे भी हमारे साथ कैसी ज्यादती करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि हमने ये मसला किया है। मैंने कहा कि अगर आप अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट के अपने फायदे के लिए अदारा अपने फायदे के लिए लोगों के साथ जुल्म कर रहा है कि अपना वो बिल लेने के लिए हमारा जो पहला इतना अच्छा अपने नाला बना हुआ है उसको गिरा कर अपना यहाँ 9 इंच का पैप डालेंगे वो भी चलना नहीं है। तो मैंने वो फंड रुकवाया था, मैंने तब हमारे अपना मेयर साहब थे उनके साथ बात की थी, मैंने अपने MNA के साथ बात की थी, फिर एक्सिन साहब के साथ मैं बात की थी, तब मैंने जाकर रुकवा कर फिर वो जो एरिया बचा था वो जाकर यूहन्नाबाद में और गलियाँ बनी थी। मैंने ये PTA का फायदा किया था, अगर मुझे तो खुशी होगी कि आप अपना फंड जाया करें लेकिन मैंने फिर भी अपना सियासी फायदा ना लेने के लिए बावजूद मैंने कहा आप आगे लगे ये इसकी ड्राइंग है ये चेक करें आप इसको किसी और भी इंजीनियर से चेक करवा लेंगे ये इसका नुकसान है इसका फायदा नहीं है। तो कहने का मतलब कि मैंने पीटीए का पहले भी फायदा किया था कि आपका फंड ना जाया करें आप इसको कहीं और यूटिलाइज करें। तो अभी ये जो हमारा जो ये जो अपना नीचे जो सीवरेज है ये बिल्कुल ठीक है, अभी ये नया डाला था और इसके साथ ही जो ओवरफ्लो पानी है वो हमारा रोई के साथ जाएगा यानी कि जबरदस्त हमारा बन जाएगा। अगर ये ना बनता तो इसके साथ ये हमारा मसला बना था कि ये जो हमारा जो अपना ये मट्टी वगैरह है ये गटरों में जाती है तो गटर हमारे बंद हो जाएंगे। अभी ये हमारा जो PCC हो जाएगी तो हमारा ये होना बात बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया अपना आपका कि डॉक्टर सागर साहब हमेशा हमारे साथ अच्छे अच्छे इवेंट के साथ आते हैं और मुझे खुशी है जब से ये होना बात में जो दोबारा आए हैं तो इनका पैर मुबारक हुआ, हम भी कामों में ज़रा तरक्की से तेजी से काम दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन अभी आप सारी बातचीत को सुन रहे थे और यूहन्नाबाद के जो रहायशी हैं उन्होंने भी इस सड़क के बारे में सारी बातचीत की और सबका जो चेयरमैन है इश्तियाक जेम्स गिल साहब उन्होंने भी सारा अहवाल जो है वो बयान किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सड़क है एक अरसा दराज से रुकी हुई थी और PTI की जो हुकूमत है जो सबका हुकूमत उन्होंने 3-3.5 साल जो हुकूमत की और वो इस बात को लोगों तक जो है वो पहुँचाते रहे कि हम इसको जो मॉडल विलेज है वो बनाएंगे
लेकिन उन्होंने किसी तौर से भी इस सड़क की तरफ, जो मेन सड़क है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेन रोही नाले की तरफ जा रही है, ये मेन यूहानाबाद से स्टार्ट होती है और जो है वो रोही नाले की तरफ जाती है, और तकरीबन ये बहुत बड़ी सड़क है और ये बहुत सारे लोगों के लिए जो उनका रोजगार है उसमें भी इसका, इस सड़क का, इस रोड का बड़ा अहम किरदार है, और ये बाहर रिंग रोड की तरफ भी जो सड़क है ये जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ के जो साबका चेयरमैन थे इश्तियाक जेम्स गिल साहब, उन्होंने जब उनकी दौरे हुकूमत थी उस वक्त भी यूहानाबाद में बहुत सारी सड़कें तमीर करवाईं, और क्योंकि हुकूमत चली गई लेकिन उन्होंने अपने काम को रोका नहीं और उन्होंने किसी ना किसी तौर से इस काम को जारी रखा। और आज जब दोबारा से जो उनकी जो टीम है, जो उनके जो लोग हैं इस हुकूमत में आए, नून लीग की हुकूमत में आए, तो उन्होंने दोबारा से इस काम को जो है, इस प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया और अपने लोगों के लिए हकीकत में जो मॉडल विलेज का जो ख्वाब था, जो पीटीआई ने दिखाया था, वो अपने लोगों के साथ मिलकर, अपनी हुकूमत के साथ मिलकर इसको पूरा करने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा नेशनल न्यूज़ को जब देखते हैं, और नेशनल न्यूज़नामा हमेशा, मैंने आपको कई दफ़ा ये कहा अपने प्रोग्राम में कि नेशनल न्यूज़नामा ऐसे जो पॉइंट्स हैं, ऐसे जो इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट करता है ताकि जहां जहां पे हमारे लोग हैं और जहां जहां पे हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको जो है नुमाया किया जाए, उनको हुकूमत में नुमाया किया जाए, उनको अपने लोगों में जो है उनको नुमाया किया जाए, ताकि आप उनके लिए हमेशा दुआ करते रहें, ताकि हमारे लोग हुकूमत में रहते हुए अपने लोगों की फलाह के लिए, अपने लोगों की सलाह के लिए हमेशा काम करते रहें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारो को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।